तो इसका मतलब है हमको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए भाई। नहीं एक मिनट जरा जानू, ए डोंट टच मी बीवी ऑनलाइन। जानू मैं बिना टिकट के ऐसे ट्रेन में सफर नहीं कर सकता, इल्लीगल है जानू, तुम हनीमून मना लो अकेले। क्या बच्चा कल को पूछेगा उसका बाप कौन, बोल देना तू देश का बच्चा, मैं नहीं आ सकता। गुरमीत आके गले लगा लिया बलराज को, वो तो बहाना था निया को लगाना था मेन। कैसा लगा इनका एक्ट? आउटस्टैंडिंग, जो एनर्जी थी आप दोनों में और जो टाइमिंग थी कमाल की थी, और जो आजकल माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में उस पर इतना जल्दी इतना कुछ दिखाना और इतना कुछ समझाना आउटस्टैंडिंग था। और वो जो आपने लास्ट में जो अपनी बीबी को बोला वो अच्छा लगा मुझे। आई थिंक ये शो बहुत इन्फ्लुएंशियल शो है, तो जब आप लोग ऐसा कुछ मैसेज देते हो तो इट मैटर्स यू नो। एंड सेकंडली मुझे जानना दो दो पति कैसे हो गए? हाँ एक्चुअली दो, मैं कंफ्यूज हूँ। ब्लैक वाले ना इसके। चलिए थैंक यू सो मच एक बार निया और बलराज के लिए जोरदार तालियां। माताजी हाँ मजा आ रहा है? अरे बेटा कुछ भीखा भीखा लग रहा है। इस उम्र में तीखा भी खा लेंगे तब भी फीका ही लगेगा। अरे बेटा बाप बगल में ये भारती खड़ी है, उधर मुबीन उधर मनन, मनुष्यत की हदें पार। अरे कुछ तड़कता भड़कता लाओ, कुछ रंग बिरंगा लाओ। अच्छा कुछ तड़कता भड़कता चाहिए। हाँ चलिए, वैसे भी इनके पास वक्त बहुत कम है तो इनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। चलिए फिर तड़कता भड़कता कुछ हो जाए। हाँ हाँ अब जो आ रहे हैं उनके लिए बैठे बैठे नहीं खड़े होके तालियां बनती हैं। प्लीज वेलकम द लेजेंडरी हेलन जी और बिंदु जी। आज हमारी मम्मी डैडी पूरा परिवार बहुत खुश होगा जिनको वो देखना चाहते थे। आज आपने हमारे शो में आके चार नहीं 400 चांद लगा दीजिए। oh, yes, एक बार जोरदार yes. तालियां इनके लिए। माता जी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ लेकिन तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते तुझे पता है? पहले इनको सिंहासन पे बिठाते हैं फिर बात करते हैं। आइए 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 सिंहासन पर बैठिए। गुरमीत हमारी दो हॉट लड़कियों को सिंहासन पे ले जाइए। वाओ आई लाइक दैट। मुझे ना मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। क्या दिन होते थे तुझे पता है? हेलन जी और मैं ना एक ही थाली में खाना खाते थे। इतनी क्लोज थी आप दोनों? हाँ वो जिस थाली में खाना खाती थी जो बच जाता था वो मैं खा लेती थी। लेकिन थाली एक ही होती थी। माता जी आपको नहीं लगता आप हमारे गेस्ट के सामने कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हैं? अरे चुप कर मुझे हल्के में मत ले। तुझे पता है सलमान ने सुल्तान में सबको क्यों मारा? क्यों? मेरे लिए मारा। हाँ कहते बुढ़िया सामने बैठी है मेरा मूड खराब हो रहा है इसको भगाओ यहाँ से। अबे चुप। मैं सुल्तान के सेट पे गई थी, मैंने सलमान को बोला सलमान मुझे ना तेरी पप्पी चाहिए पप्पी। अगले दिन भागते भागते मेरे पीछे पीछे आ गया। अच्छा जी भागते भागते आपके पीछे पप्पी लेने नहीं आए थे? आपकी उनके रूम में बतीसी गिर गई थी वो वापिस कर ले। ये क्या घुमा रही हो आप? ये बेटा ये कुछ पैसे हैं मैंने ना अपने फ्यूचर के लिए जोड़ के रखे हैं। इधर आइए आंटी। हाँ? ये आपका फ्यूचर ही चल रहा है, इसके बाद ना मौत होती है सीधा। बेटा ऐसा है कि ना मैं ना अपनी तिजोरी खुला छोड़ आई हूँ। हाँ उसको जा जल्दी से लॉक करके जल्दी जा जल्दी जा। उसमें 100-100 के नोट है या 500-1000 के? 100-100 के। देखा तिजोरी का नाम लिया और चली गई। लालची है लालची, मैं बताऊं एक नंबर की लालची है। तो चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ यूपी की एक महिला मुंबई घूमने आई। हाँ आइए देखते हैं वो कौन कौन सी जगह घूमती है। जोरदार तालियां हो जाए भारतीय यूपी की महिला। और दूसरी महिला का क्या नाम है? करण भाई। ईका लगता है मुंबई आ गए क्योंकि जैसे हमारा पेट का पल्लू थोड़ा इधर हुआ था ये घूरने लगा था। तो हमको लगता है मुंबई आ गए हम, लेकिन हम कहाँ पर हैं? अरे बिंदु जी हेलन जी लगता बैंड्रा में है। नहीं नहीं का सुदेश लहरी भी है लगता मीरा रोड में है। नहीं 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 बलराज भी बैठा है लगता नाले में गिर गया।
क्या करे, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। आउटो आउटो वाले भैया, हेलो आउटो वाले भैया जी, खाली हो का? खाली है। हाँ तो अच्छी एक्टिंग किया करो ना, भरे रहोगे। हम देखो अच्छी एक्टिंग करते हैं, बिजी रहते हैं। क्या बकवास कर रही हो, टाइम नहीं है हमारे पास। का टाइम नहीं है, का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो हमारी अम्मा के पास भी नहीं था, वो इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा चल बसी। हाँ कहा हुआ था वो, कहा ना एक दिन हेलन जी अम्मा छत पे सो रही थी, किसी ने नीचे से आवाज दी, अम्मा तोरा भाई मर गया। बस सदमे में ना छत से कूद पड़ी, आधे रास्ते पे अम्मा को याद आया उनका तो कोई भाई नहीं था। भुलक्कड़ बुढ़िया। काय टाइम खोटी कर रही हैं, क्या चाहिए? तो क्या चाहिए का, बैठना है हमको, पूरा मुंबई दर्शन करना, सलमान खान का घर, अमिताभ बच्चन का घर, शाहरुख खान का घर, सबका देखना है। 1800 रुपए लगेंगे। 18 अब बैग घुमा के कान के नीचे मार देंगे। 1800 रुपए लगेंगे, हमसे मांग रहा 1800 रुपए। 900 में शादी हुई थी बिंदु जी, 400 में बच्चा हो गया, 1300 में पूरा घर बसा लिया था। 1800 मांगेगा हमसे? खाकी वर्दी पहनी है, इसका मतलब ये नहीं भाड़े की जगह रिश्वत मांगोगे। ए मैडम, 1800 रुपए देने हैं तो दो, वरना हम जा रहे हैं। ए हमारे सामने तो बकवास नहीं करना, हथियार निकालेंगे हम अपना। कहाँ निकालोगे, चाकू निकालोगे, बंदूक निकालोगे? उससे भी खतरनाक, ये ले भैया। हजार और 500 के नोट। दीदी बहुत दुखता है दीदी। देखा, 500 और 1000 का नोट देखते ही रिश्तेदारी याद आ गई। ऐसे ही सबको रिश्तेदारी याद आ रही है काला धन छुपाने के लिए। ये मेरा दीदी, ये मेरा भैया, ये मेरा ड्राइवर, मेरा पैसा ले ले थोड़ा सा। हाँ सबको रिश्तेदारी याद आ गई है। छोड़ो ना ये सब बातें, हमका मुंबई दर्शन करवा दो ना फटाफट। मुंबई दर्शन? हाँ, हमने मुंबई के बारे में सुना है बिंदु जी, हेलन जी का बिल्डिंग होती है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, छत पे चले जाओ ना तो हवाई जहाज जा रहा था उसमें एरोडस की टांगे दिखती है, इतना ऊंचा बिल्डिंग होता है। और हमने ये भी सुना है कि का फ्लैट होते हैं यहाँ पे, ऐसे खिड़की खोलो तो हरा हरा पहाड़। वैसे एक बात बोले हेलन जी, हमारे गाँव में भी घर का खिड़की खोलो ना तो हरा हरा नहीं, इतना इतना पीला पीला पहाड़ दिखे। हमारा नाम सूजी और हमार पति का नाम हलवा। और जब हमार पति जाता है ना तो लोग कहते हैं, ऊ देखो सूजी का हलवा जा रहा है। कहाँ है आपके पति? पति तो एकदम काम चोरता है एलन जी, एकदम निकम्मा। लेकिन एक बात बोले था, अच्छा आज उसी की वजह से मुंबई घूमने आए हैं हम। अच्छा पति ने भेजा आपको? हाँ, उनका डेथ हो गया है ना, इंश्योरेंस का पैसा मिला है, उसी से घूमने आए हैं मुंबई। पति का डेथ हो गया? हाँ, नींद में चलने की आदत थी ना। हाँ पति को नहीं हमको, एक दिन हम नींद में खड़े हुए, पति की छाती पे पैर रख के चल पड़े, बस हम इधर चल पड़े, पति उधर चल पड़े। हाँ छोटी मोटी बातों के पीछे पड़े हो, मुंबई दिखाओ ना हमको। मुंबई दिखाएं? हाँ ना बैठो, चलिए रिक्शा चलाइए जी मैडम। एक मिनट, बिना हैंडल पकड़े कौन सा महाराजा रिश्का चलाता है? अरे रिश्का का होता है मैडम। हाँ तो चलो दिखाओ मुंबई, वो का है? वो गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ काहे बना था ये? अंग्रेजों ने बनवाया था, वो रानी साहिबा आ रही थी ना, रानी का इतनी मोटी थी कि छोटे गेट में से निकल नहीं सकती थी, इतना बड़ा गेट बनवाए है। मैडम उसे छोड़ो, वो देखो चर्च गेट, वो भी अंग्रेजों ने बनवाया था। हम तो सोचते थे अंग्रेज दिमाग वाले हैं, ये तो साले मिस्त्री निकले, वो गेट ये गेट। अरे मैडम ये गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये 1806 में बना। सिर्फ 1806 रुपए में? हमारे पास 2000 है, हमारा घर बनवा दो ना बाबू अंग्रेज से। मैडम 1806 रुपया नहीं, सन 1806 में। हाँ तो ठीक है, ई का है बड़ा सा? ई होटल है। कौन सा? ताजमहल। इसमें रहने का कितना पैसा होता है भैया जी? 1,00,000 रुपया लगता है, खाना अलग। खाना पीना इतना महंगा? हम नहीं रहेंगे। क्यों? लेकिन हम अंदर जाके हल्के होके आते। एक मिनट, हल्के होके आते हैं? हाँ वो कहा ना, हमारे बाबूजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि बेटी जब मुंबई जाए ना तो कोई बड़ी जगह को गंदा करे। लेकिन एक बात है,
हेलन जी, बिंदु जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन हेलन जी हमको पता है कि आप उस जमाने में बहुत चिकन खाती थी ना। चिकन खाती थी कैसे? अरे जब भी इनका कोई गाना देख लो, कभी यहाँ पंख, कभी यहाँ पंख, तो चिकन ही खाती थी ना। कुछ भी बोलती हो ना तुम, कुछ भी बोल रही हो। वैसे एक बात बोले हेलन जी, आपकी वजह से हमको हमारे पति से मार भी बहुत पड़ा था। वो आपका वो गाना था ना, सुबह उठते सारे हमने अपने पति के मुंह पे कहा हा 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 हा, प्याज का समय ला रहा था, मुंह पे मुक्का मारा। हो गया तुम्हार? हाँ, कह तुम्हार क्या, तुम्हार नहीं हुआ का? सब दोनों का हो गया, चल आ गया अभी।